हाय फ्रेंड्स, तो वो जो फर्स्ट वाली वीडियो थी वो बहुत लंबी हो रही थी क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग के लिए लेके आया हुआ था, तो इसलिए मैंने इसे टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मेरी जो ये सेकेंड वीडियो है इसमें मैं आधे प्रोडक्ट का रिव्यू मैं यहाँ करूँगी और कुछ प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने फर्स्ट वीडियो में किया है, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट मंगवाए हैं। तो इसमें जो मेरी इस वीडियो में जो मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक हैंगिंग लाइट जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, देख सकते हो ये वाली हैंगिंग लाइट है जिसमें ये दो पीसेस रिसीव हुए हैं। तो इसमें मुझे कार्डबोर्ड मिला है, देख सकते हो। तो इसकी जो लुक है वो है इस टाइप वाले जो हैंगिंग लाइट होते हैं वो लाइट है जो कि मुझे इस टाइप से रिसीव हुए हैं। तो इसे जो है इसे इंस्टॉल करने होंगे, ये अलग अलग से चिपका के वो लोग नहीं दिए हैं, अलग से दे दिए हैं, जिसको आपको खुद से ऐसे फिट करके चिपकाने होंगे। तो चिपकाने के लिए वो ये ग्लू दिए गए हैं जिसके हेल्प से आप इसे फिक्स कर सकते हो, चिपका सकते हो उसके ऊपर। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, तो ये मैंने 482 या 32 रुपीज़ में मंगवाया है। मुझे प्राइस उतना एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं साइट में लगा दूँगी, आप प्राइस देख लेना एंड लुक भी लगा दूँगी कि मैंने कौन सा लाइट मंगवाया है, कैसा लुक उसमें दिख रहा है और मुझे क्या रिसीव हुआ है, कंपेयर कर रही हूँ। तो ये मुझे कार्डबोर्ड है जो कि प्लाई पतले प्लाई के बने होते हैं ना, उसमें कलर चढ़ाया हुआ है, ऐसा कटिंग किया हुआ है जो कि मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ है, ऐसे मुझे खुद चिपकाने होंगे। और ये जो है ये प्लास्टिक का कोई मटेरियल है, प्लास्टिक का एंगल वाला बॉक्स मुझे रिसीव हुआ है इधर से ऐसे है। और इसे इसमें बल्ब इंक्लूड नहीं है, उसमें बल्ब दिखाया जाता है बट इंक्लूड नहीं है, नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि बल्ब इंक्लूड नहीं है। और इसमें ये वायर मिली है मुझे दो, और इस वायर के साथ ये होल्डर मुझे रिसीव हुआ, देख सकते हो आप ये होल्डर मुझे रिसीव हुआ, इसमें आप बल्ब लगा सकते हो। तो अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे तो मुझे उतना भी पसंद ये नहीं आया क्योंकि 500 में बस मुझे ये देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही वो इंक्लूड कर देते, तो मे भी ये प्राइस को सेटिस्फाई कर सकता था, बट अगर वो बल्ब नहीं दे रहे हैं तो प्राइस को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, देख सकते हो आप। और ऊपर से ये भी पतला सा मिला है, जैसे खुद ही चिपकाना है, अगर वो चिपका के भी देते तो समझ में आता है, बट इसे आपको खुद से इंस्टॉल करना है, ऐसे करके चिपकाना है, देख सकते हो। मैंने अपने घर के लिए मंगाया था सीलिंग लाइट के लिए, खुद इसे फिक्स करना है। ये ग्लूस है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था 432 या 80 उतना मुझे याद नहीं है, साइड में लगा दूंगी। ये प्रोडक्ट देख सकते हो आप, लेकिन बहुत हैवी है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था जो कि प्लाई का बना हुआ है, जो कि ये है लव एंड लाफ। लव एंड लाफ का ये जो प्लाईवुड का कटिंग करके बनाया गया है, ब्लैक कलर का है ये। तो ये इस टाइप का मुझे प्लाई मिला है जिसमें आप इसको अटैच कर सकते हो, तो अटैच करने के लिए ये स्क्रू भी दिया गया है, तो स्क्रू के हेल्प से आप अटैच कर सकते हो। और ऊपर से इसमें हॉक भी वो लोग खुद से क्लियर करके दिए हैं, होल बना के दिए हैं, तो आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपको ऐसे अटैच करना है, अटैच करना है, देन वॉल में से फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए उन्होंने स्कोप दिया हुआ है, तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हो। तो इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, प्लाई की बनी हुई है एंड उसमें ब्लैक कलर का कलर चढ़ाया हुआ है, देख सकते हो। तो
तो अगर इसकी फिनिशिंग बोलेंगे तो उतनी ही अच्छी नहीं है, अगर आप सामने से देख सकते तो इसकी अगर ये साइड कॉर्नर सब की अगर आप फिनिशिंग देखोगे तो उतनी भी बेस्ट नहीं है, बट अगर दूर से कोई देखेगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, पास से देखने से पता चल रहा है। और इसमें ये कार्डबोर्ड दिया गया है, तो ये मैंने 500 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट से लिया था 499 रुपीज़ में, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे थोड़ा सा ये महंगा लग रहा है, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका प्राइस। और ये मुझे थोड़ा सा डैमेज हुआ मिला है, देख सकते हैं थोड़ा सा डैमेज है इस कॉर्नर में, तो मैं भी लाते टाइम किसी तरह लग गया होगा तो ये थोड़ा डैमेज हो गया है, क्योंकि पैकेजिंग उतनी अच्छी से नहीं थी आजकल, पता नहीं फ्लिपकार्ट से मैं ऑर्डर कर रही तो मुझे पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं मिल रही है। तो इसकी जो लंबाई है वो मे बी 1 फीट 5 इंच की होगी इसकी लंबाई, और ये 3 इंचेस के होंगे इसकी जो चौड़ाई है, तो ये भी बहुत स्मॉल है, मुझे लगा था थोड़ा सा बड़ा मुझे रिसीव होगा, बट ठीक है ये अच्छे लुक देंगे आई थिंक मैं जब इसे वॉल पे लगाऊंगी तो देख सकते हो, अगर आपको ये पसंद आया तो आप ले सकते हो फ्लिपकार्ट से 499 रुपीज़ में, बट मुझे थोड़ा हैप्पी लग सॉरी मुझे थोड़ा महंगा लगा प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड इसका जो लेंथ और साइज है। देन मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये फिर से हैंगिंग लाइट है, देख सकते हो ये 3 फीट हैंगिंग लाइट, ये 3 फीट करीब मुझे हैंगिंग लाइट मिला हुआ है, इस टाइप के लोग ये क्रिएट करते हैं, तो टाइम में मैं लगा दूंगी क्योंकि मैं ऐसे दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ नहीं है, सही से फिक्स किया हुआ नहीं है, जस्ट मुझे रिसीव हुआ है, मुझे ऐसे ही कंडीशन मुझे शुरू हुए थे, तो इसलिए मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको। ये ब्लैक कलर का है, इसमें 3 होल्डर मिले हुए हैं एंड 3 वायर मिले हुए हैं जिससे आप इसे अपने सीलिंग में लगा सकते हो, हैंग कर सकते हो। तो ये इसकी जो क्वालिटी है वो आई थिंक ये लोहे से या पतले वाले तार होते हैं ना लोहे के, उससे बने हुए हैं जिसमें ब्लैक कलर का कलर छुटाया हुआ है, सॉरी कलर लगाया हुआ है जो कि थोड़े थोड़े निकल भी रहे हैं। आई थिंक वो सब जितने भी मैंने ब्लैक कलर का लव लाइफ लव वाला भी दिखाया, आई थिंक उससे भी थोड़े थोड़े कलर निकल रहे हैं, इससे भी तो थोड़े थोड़े कलर इससे निकल रहे हैं। ये डायमंड सेट में देख सकते हो आप इस टाइप से है, तो ये मैंने मीशो से मंगवाया है, ये मैंने मीशो से 450 रुपीज़ में मंगवाया है, तो ये फ्लिपकार्ट में भी है बट वहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही प्राइस में था, आई थिंक 800 या 750 रुपीज़ में था, इसलिए मैंने मीशो से मंगवा लिया, तो देख सकते हो तो मीशो में कम दाम में था, कम प्राइस में था, इसलिए मैंने मीशो से लिया। तो इसके भी जो वेट है वो ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का है, तो अगर आप देखो तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे उतना भी सही नहीं लग रहा है कि बस 550 रुपीज़ में आप बस ये लेते हो, और 3 वायर और होल्डर, होल्डर का दाम ही कितना होगा और वायर का बस ये दे रहे हैं वो 500 में, तो मुझे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं ले रही हूँ क्योंकि ये अच्छे लुक क्रिएट करते हैं अगर आप अपने सीलिंग पे लगाते हो तो अगर आपको भी अगर पसंद आया तो आप ले सकते हो, थोड़े थोड़े इसके भी कलर निकल रहे हैं, तो ये भी मुझे अच्छा ही लगा, ना भी नहीं ना भी सेटिस्फाई नहीं किया, बट फिर भी मैं इसे रख रही हूँ, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको पसंद आया तो आप भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने मीशो से लिया था, तो इसका भी लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना चेक कर लेना। देन मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हैंगर है जिसमें आप की रख सकते हो अपने, तो ये भी प्लाई का बना हुआ है, तो ये जो मुझे रिसीव हुआ है ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, फ्लिपकार्ट के शॉप से, तो ये मुझे उतना भी अच्छा क्वालिटी में रिसीव नहीं हुआ है, सही है बट मुझे थोड़ा गंदा गंदा फील हो रहा है, बना हुआ है यहाँ पे की हैंगर है।
आपकी को रख सकते हो। तो ये मैंने 160 या 180 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट के शॉप से लिया था। तो यहाँ पे हैंग करने के लिए, वॉल में हैंग कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे होल बना हुआ है, उसके हेल्प से आप हैंग कर सकते हो। तो ये भी मुझे ठीक लगा, बट अगर ये साफ और थोड़ा नहीं होती तो मैं ये मुझे सेटिस्फाई करता। बाकी प्राइस वाइज ये ठीक है, आपको अगर आप लकी हो आपको सही प्रोडक्ट मिलता है तो 180-160 में ठीक है, आप ले सकते हो अपने घर के लिए, अपने होम डेकोर के लिए। तो ये मेरी लास्ट प्रोडक्ट थी। तो इतने ही मैंने प्रोडक्ट मीशो एंड फ्लिपकार्ट से मंगाया अपने घर को डेकोर करने के लिए। तो अगर आपको भी कोई पसंद आए कोई भी प्रोडक्ट तो आप ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।